जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट x² - y² = c x² + y² इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x³ - 3xy² dx = y³ - 3 x²y/dy where c is a parameter। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या लेंगे, यहां पर ये हो जाएगा dy/dx = x³ - 3xy² / y³ - 3x²y। क्या है ये होमोजीनियस, देखो पावर 3 और पावर 3 तो क्या कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे y = vx and d = v + x dv/dx। रखिए यहां पर v + x = -3vx² / v³x²vx। देखिए ऊपर क्या कॉमन है, x³ कॉमन है, नीचे भी x³ कॉमन है। लीजिए x³ 1 - 3v² / v³³ - 3v और कॉमन क्या ले लिया हमने x³, दिस इज कैंसिल। तो यहां से ये क्या आ जाएगा x dx v = 1 - 3v² / v³³ - 3v। तो क्या हो जाएगा ये माइनस वी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 3v² - v²/3v² / v³³ - 3v। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा v³ - 3v / 1 - v⁴। 1 - v⁴ dv = dx/x। इसमें से माइनस कॉमन लेकर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3v - v³ / v⁴ - 1 dv = dx/x। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड 3v - v³³ / v+1 v-1 और v² + 1 dv = dx/x। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2v + 1 + 1/2v - 1 और -2v / v² + 1 dv = dx/x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2 log v + 1 + 1/2 log v - 1 और -log v² + 1 = log x + log c1 ले लेंगे हम यहां पर। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा log v + 1 - log v - 1 - 2 log v² + 1 =
2 log x plus 2 log c1। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं अब सॉल्व करके, थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इजी क्वेश्चन है, हल्का सा लेंदी है बट इजी है क्वेश्चन ये। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसमें log m माइनस log n क्या होगा, log m, सॉरी ये माइनस नहीं है, यहां पर ये प्लस है, तो log v और log v माइनस वन, और ये माइनस है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, log m प्लस log n, log m इंटू n, और ये पावर ऊपर चली जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं यहां पर log x स्क्वायर, और ये दोनों आपके इंटू टू सी वन, log m प्लस log n, पहले m की पावर n का फॉर्मूला, फिर log m प्लस log, दोनों तरफ से log कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस वन और v स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, इसे हमने मान लिया c, वेयर c इज इक्वल टू टू सी वन कॉन्स्टेंट है। अब यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन h, करिए पुट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। इसका एल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या आएगा एल्शियम, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर और ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। इससे एक पावर ये कट गया, इस पूरे से ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर माइनस, चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, अभी सी वन ही ले उसको, तो सी वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये यहां पर होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हम दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां पर सी क्या है माइनस सी वन। प्लीज मेक अप, सॉल्यूशन नंबर 5, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी और वो जो सर्कल है वो दोनों एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ए और ये भी ए, और रेडियस कितनी होगी, रेडियस भी ए हो जाएगी, तो ये होगी आपकी y
y डैश x और h डैश। तो इसका सेंटर क्या हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों अक्ष अक्षीय को टच करता है, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लिया हमने a, तो ये भी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। तो सेंटर कितना हो गया इसका a a, और रेडियस कितनी होगी a। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहां पर ए एक पैरामीटर है, इसलिए एक बार डेरिवेशन करेंगे और इस पैरामीटर को यहां से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये टू एक्स माइनस ए वन माइनस जीरो प्लस टू वाई माइनस ए और वाई वन माइनस जीरो, पहले इस पावर का करेंगे फिर वाई का करेंगे, तो वाई वन माइनस जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, टू कॉमन लेकर हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस वाई वाई वन माइनस ए वाई वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें से ए कॉमन ले दें, तो ये कितना जाएगा एक्स प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेंगे ए ए वाई, इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया वन प्लस वाई वन आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। इसे पुट कर देंगे हम, पुटिंग इन इक्वेशन वन, क्योंकि हमें ए रिमूव करना और एक बार डेरिवेशन करना, तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या रख देंगे हम एक्स माइनस एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन आ गया वन प्लस वाई वन और का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहां से इसका एल्शियम ले लो, क्या लिखो एक्स प्लस एक्स वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई वन और इस सारे का हो गया होल स्क्वायर प्लस इसका एल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा वाई प्लस वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन और इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर, वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर और वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया और इस एक्स से ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया, देखिए क्या बचता है यहां पे एक्स वाई वन माइनस वाई वाई वन का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या बचेगा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां से मैं वाई वन का होल स्क्वायर कॉमन ले दू, मतलब वाई वन कॉमन ले दू यहां से, तो ये आ जाएगा वाई वन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस कॉमन ले ले एक्स माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन का होल स्क्वायर। बताइए इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वन प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर सिक्स, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या करेंगे हम इसको इसको उधर ले जाएंगे हम
तो क्या लिख सकते हैं इसे, dy dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेबल मेथड से। तो ये जाएगा dy अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर साइन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्लस क्या लिख दू मैं, प्लस सी वन लिख देता हूं, इसको उधर ले आओ, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी वन। चाहे तो आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका फॉर्मूला भी लगा दीजिएगा आप यहां पर, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन हो जाएगा, इसको उधर ले जाए हम, तो ये जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन सी वन, और इसको हमने मान लिया कॉन्स्टेंट। तो कितना हो जाएगा ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू साइन सी वन, दैट इज योर आंसर।